नमस्कार दोस्तों, मैं पैरी मोदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड। तो अभी यहाँ पे आप जो एक वैल्यू देख रहे हैं वो है एक बिटकॉइन की वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, एक बिटकॉइन की वैल्यू 35 लाख रुपीस के अराउंड होती है। और साथ साथ अभी यहाँ पे आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो है एक बिटकॉइन की वॉलेटाइल वैल्यूज का ग्राफ। अगर आप देख सकते हैं 2017 के अंदर एक बिटकॉइन की वैल्यू थी $19,000 के अराउंड, और आज 2021 के अंदर एक बिटकॉइन की वैल्यू टच कर गई है $32,000 के अराउंड। तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट किस तरह से आया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस पूरे बिटकॉइन की गेम को कंट्रोल करते हैं, और कौन कौन मैन्यूपुलेटर्स हैं जो कि इस बिटकॉइन की गेम को अंदर और इम्प्रोवाइज्ड करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक वो लाल कलर का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे दबा दीजिए, चाहे कुछ भी हो उसे दबा कर ही वीडियो को आगे शुरू कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप ये भी जानना चाहोगे कि बिटकॉइन की ऐसी कौन सी फैक्टर्स है जिसके कारण उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो उसके पीछे दो फैक्टर्स शामिल है, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी फैक्टर, जैसे कि आप बाय करते हो या तो फिर सेल करते हो या तो फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, कोई भी आप यानी कि कॉइन DCX कुबेरा ऐप है, इस तरह ऐप पर आप उसे इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे उसकी प्राइस डिक्लेयर होती है, और उस प्राइस कभी इंक्रीमेंट भी होती है कभी डिक्रीमेंट भी होती है। लेकिन हम अगर बिटकॉइंस को स्टॉक मार्केट की तरह भी कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो उसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती कि वो आगे जाके क्या होगा, उस पर इंक्रीमेंट आएगा या तो फिर डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि जो भी स्टॉक्स है उनकी जो भी अभी सप्लाई है उसकी ज़्यादा उसकी डिमांड थोड़ी सी कम है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर जितना सप्लाई है उसकी डिमांड उससे कई ज़्यादा हाई हो गई है, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी वॉलेटाइल रहते मेंटेन हो सकती है। अगर हम उसके अंदर दूसरे अगर हमारे इनऑर्गेनिक फैक्टर के अंदर आते हैं तो उसमें कई सारे मैन्यूपुलेटर्स आ सकते हैं, उसको भी हम आगे डीप में समझ। तो अभी यहाँ पे अगर हमने मैन्यूपुलेटर्स नाम का वर्ड यूज़ कर ही लिया है तो देखते हैं कि वो कौन कौन होते हैं और किस किस तरह काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बिटकॉइन की जो प्रोसेस है वो पूरी जाननी होगी। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लो कि कोई व्यक्ति, ए व्यक्ति अगर वो इंडिया में बैठा है और अगर उसको 5 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करना है किसी भी व्यक्ति को जो कि US में बैठा हुआ है, तो अगर वो उसके लिए एक एल्गोरिदम क्रिएट करेगा, वो एल्गोरिदम ऐसा होगा कि सिर्फ उसे ही पता होगा। और ये एल्गोरिदम को जो हैक करने वाले जो माइनर्स होते हैं, अभी आप पूछेंगे कि माइनर्स क्या होता है, तो माइनर्स यही लोग होते हैं कि जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे कि ब्रोकर्स काम करते हैं। अगर आपको ब्रोकर्स के बारे में जानना हो तो मैं प्रीफर करूँगा आपको जो स्कैम 1992 की जो सीरीज़ थी उसको देखने की, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाएगी। तो आइए अब हम आते हैं माइनर्स पे। तो माइनर्स यही काम करते हैं, एक मीडिएटर पूरी प्रोसेस के अंदर बनते हैं, और लेकिन ये लोग एल्गोरिदम की मदद से, और एल्गोरिदम ये लोग ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाते, इसके लिए हमें बहुत ही बड़े सुपर कंप्यूटर चाहिए ही। और माइनर्स एक बार एल्गोरिदम को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो क्लियर हो जाती है और जितने बिटकॉइंस है वो बी व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। फिर इसमें अंदर ऐसा नहीं होता, अभी जो माइनर्स है वो लोग एडवांस्ड एल्गोरिदम को यूज़ करने के लिए और उस प्रोसेस को डिक्रिप्ट करने के लिए एक अच्छे और सुपर एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। इसके थ्रू जो कमीशन है उसके ऊपर उनको बिटकॉइंस भी अभी मिलते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि मान लो अगर 5 बिटकॉइंस बी व्यक्ति को पहुंचाने हो तो उसमें से 3 बिटकॉइंस तो ये खुद ही ले लेते हैं और बाकी के बिटकॉइन को वो लोग आके ट्रांजेक्ट करने देते हैं, इसलिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बिटकॉइंस की और बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी जो प्राइसिंग है वो अप डाउन रहती है। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि आपके घर पे जो न्यूज़ चैनल्स आती है या तो फिर जो न्यूज़पेपर्स आते हैं वो भी बिटकॉइन की प्राइसिंग में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, यदि नहीं तो ये इसमें जान जाओगे। तो जो भी जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो भी जो न्यूज़ चैनल्स आती है, वो लोग अगर किसी एक न्यूज़ को ऐसे फैलाते कि आज से इंडिया में बिटकॉइन लीगल टेंडर हो गए, यानी कि आप बिटकॉइन से किसी भी चीज़ को बाय तो फिर सेल कर सकते हो, तो इससे भी बिटकॉइन में एक बड़ा इफेक्ट आ सकता है। लेकिन ये सही न्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअली एक रूमर्स है जो कि आगे फैल रहे हैं।
लेकिन अगर मैं ये भी कहूँ कि ये सारी जो न्यूज़ आती है वो आम टीवी पे नहीं हमको दिखने मिलती, ये जो डार्क वेब है उसी के अंदर ये सारी न्यूज़ आती रहती है। अगर आपको डार्क वेब है ये मालूम नहीं तो मैं यहाँ पे एक वीडियो बना के रखा है, उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए और उसे देख लीजिए। फिर अभी बीच में ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि टेस्ला अपने हर एक एम्प्लॉइज़ को एक बिटकॉइन फ्री में देने वाले थे, इससे बिटकॉइन की जो प्राइसिंग है उसमें भारी डिमांड आई थी और उसके बाद बिटकॉइन की जो प्राइस है वो तब $25,000 के अराउंड थी और उसके बाद $28,000 तक को वो टच कर, लेकिन इसलिए जो रूमर्स होते हैं ये सारी जो बिटकॉइन की जो प्राइसिंग है उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और इसके थ्रू प्राइजेस नेगेटिव या तो फिर पॉजिटिव में भी जा सकती है। और अभी हम आते हैं हमारे ट्वीट 1 पर, ट्वीट 2 पे, ट्वीट 3 पे, ट्वीट 4 पे और ट्वीट 5 पे, और एक ही इंसान द्वारा किए गए हैं और उसका नाम है इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन। इनके एक ट्वीट से बिटकॉइन और जितने भी सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है उसकी प्राइसिंग बहुत ही सफ़र कर सकती है। इनके एक ट्वीट से बिटकॉइन की प्राइस $20,000 तक भी घिर सकती है, तो सोचिए मोस्ट ऑफ द बिटकॉइन की जो प्राइसिस है इनके ट्वीट ही सफ़र करा। तो दोस्तों यही जो सारे जो फैक्ट्स थे और जो फैक्टर्स थे जो कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसिस को एक सफ़र कराते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। हालांकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो आप कॉइन DCX या तो कॉइन स्विच कुबेर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। उम्मीद करते हो आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।